अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और डिफरेंट रेसिपी, ब्लैक एंड वाइट चने विद चिकन। तो ये आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में जो है ना वो लहसुन और प्याज नज़र आ रहा है आपको। जी, मैंने इसको जो है वो पानी में बॉईल किया है। अब इसका जो है ना वो उसको अच्छी तरह मैश करके फिर इसको घी में भूनेंगे। और आइए इसको तैयार करते हैं। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसमें घी डाला है, अब ये फ्राई हो रहा है। इसमें साबुत काली मिर्च भी है और एक दालचीनी का टुकड़ा है और साबुत बड़ी इलायची। इसको अच्छी तरह हम फ्राई करते हैं। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो मुझे फ्राई हो रहा है अभी। चूंकि ये इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है, साथ हम इसमें डालेंगे चिकन ताकि वो भी अच्छे तरह इसके अंदर फ्राई हो जाए, प्याज और लहसुन। ये इसके अंदर चिकन जा रहा है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखो हमने काफ़ी ज़्यादा इसको फ्राई किया है, इसकी रंगत भी जो है वो चेंज हो गई है और जो लहसुन और प्याज का पेस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा मर्ज हो गया है। अब इसमें जाएंगे साबुत सब्ज मिर्च। जी तो दोस्तों, ये देखें अब इसमें जाएगा नमक, हल्दी डाली है। अब इसमें जाएगी काली मिर्च और अदरक डालेंगे कश करके। ये देखें, कश किया हुआ अदरक डाला मैंने। अब इसको मज़ीद भूनेंगे हम। जी तो हमने इसको भून लिया है और ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त दही है। अब हम इसमें दही डालेंगे। घर का तैयार किया हुआ ज़बरदस्त दही डाला है इसमें। ये देखें दही का पेस्ट है। अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया। टमाटर और सब्ज़ी मिर्चें कटी हुई। आपने देखा है कि मैंने सूख मिर्च ऐड नहीं की है। हमेशा की तरह आप अगर सूख मिर्च खाते हैं और यूज़ करना चाहते हैं, कुटी हुई सूख मिर्च भी डाल सकते हैं जिसको दादर मिर्च बोलते हैं, और पिसी हुई भी डाल सकते हैं।
हम अच्छी तरह भून लेते हैं जी। तो दोस्तों चिकन काफ़ी भून लिया हमने, अब हम इसमें डालेंगे वाइट और ब्लैक चने जो हमने बॉईल करके रखे हैं, इसमें डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनने वाली है, बहुत ही यमी और डिफरेंट। इंशाल्लाह ताला आप अगर ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी, एक ये शानदार रेसिपी है जी। दोस्तों अच्छी तरह भून के हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह जूसेस जो दोनों चिकन के और चने के मर्ज हो जाएं, जायका मर्ज हो जाए और थोड़ी सी मतलब ग्रेवी सी बन जाए। अब इसमें एंड पे डालते हैं हम गरम मसाला और इसको दम दे देते हैं जी। तो दोस्तों हमारा चिकन ब्लैक एंड वाइट चने तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत यमी लग रहा है, बहुत ही शानदार। आप इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और अब हम डिश आउट करते हैं जी। तो दोस्तों हमने डिश आउट कर लिया है, देखिए कितने ज़बरदस्त यमी लग रही है, शानदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपना जो है वो ज़रूर मैसेज पे कमेंट करके मुझे बताया करें, अपनी व्यूज़ बताया करें कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं और आप ट्राई भी करते हैं। इस डिश के साथ जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट शानदार रेसिपी के साथ हाज़र होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।